हेलो हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीक्षा, भारती, नरेन, विकास, संदीप, विजेता, प्रिया, राजीव, सुमन, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे आवाज़ कंफर्म करें, वॉइस ठीक आ रही है क्या? उसके बाद अपन अपना लेक्चर शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, मेरे एंड पे ठीक है। तो ये हमारा है डाकू सीरीज, दैट इज डॉक्टर अमित करंट अपडेट्स, और 456 दिन के अपन इसमें कर रहे हैं। 15 मंथ्स का अपन ने टारगेट रखा था, मार्च 2021 में अपन आ गए हैं। 14th मंथ अपना चल रहा है इसमें, और आज 15वां भी शुरू कर ही देंगे। और इसके अलावा यूपीएससी रिविजन क्लासेस में मैं आपको बताऊं तो 3 स्लॉट में अपनी चल रही है, 5.5 से 6.5, और 1.5 से 2.5, और 8.5 से लेकर 10। तो HCS जो 2022 के स्टूडेंट्स हैं उनको भी सेम क्लासेस कंटिन्यू रखनी है, एक्सेप्ट एनवायरनमेंट की क्लासेस वो उनको नहीं करनी, बाकी सारे के सारे वो कर सकते हैं। और आर्ट एंड कल्चर अभी अपन कर रहे हैं, उसके बाद अपन हिस्ट्री 6, 7, 8 और थीम्स ऑफ इंडिया करेंगे, एंड ज्योग्राफी करेंगे 11, 12। और इनकी जो PDF है वो सारी की सारी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चैनल की कौन कौन सी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, KGF, चाय पेपर चाय, डाकू, HCS मैराथन, और अभी के हिसाब से अपने पास कौन सी है, मिशन इम्पॉसिबल वाली जो वीकेंड अपनी रिविजन सीरीज चल रही है वो, तो उसमें भी जैसे अपन ने पॉलिटी MCQ पूरी की पूरी कर ली है, लक्ष्मीकांत की, ज्योग्राफी मैप्स अपन ने कर लिए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, इनका एक एक जो लेक्चर बचा हुआ है वो अपन करेंगे अभी फ्राइडे को। और 7 और 8 को आपका रहेगा एंशंट एंड मिडाइवल कंप्लीट रिविजन, और मंडे से अपन स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी MCQ। एंड बिफोर स्टार्टिंग अबाउट मी, माई नेम इज डॉक्टर अमित, एंड दैट्स इट। जो नए स्टूडेंट हैं प्लीज चेक ऑन द स्लाइड एंड लेट अस स्टार्ट विद द PDF विदाउट एनी मोर डिले। चलिए ठीक है, हैप्पी एंड गुड मॉर्निंग। ओके सौरभ, गुड मॉर्निंग भूपेंद्र, गुड मॉर्निंग। चलो काफ़ी लोग पहुँच गए हैं, सुबह सुबह उठने की हिम्मत करी है तुम लोगों ने, तो इसका फायदा भी मिलेगा प्रिपरेशन में, डेफिनेटली देर इज नो डाउट अबाउट इट। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी आवाज़ धीरे धीरे हो गई है तो हो जाता है कभी कभी। देखो हाँ, सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर, पथचित्र आर्ट। वैसे तो अपन आर्ट एंड कल्चर में अपना पेंटिंग ही शुरू होने वाला था, और इसमें पेंटिंग वाला ही एक टॉपिक आ गया, तो अब अपन इसको देख लेते हैं। ठीक है रेनू, गुड मॉर्निंग। ठीक है प्रिया, वॉइस इज ओके, थैंक यू। चलो देखो, पथ पथ मतलब पत्ता जैसे होता है ना, तो ये स्क्रोल पेंटिंग्स होती हैं, लंबे लंबे स्क्रोल्स होते हैं। जैसे आपका मान लो ये है, क्या होता है अपना पर्दा, तो ये स्क्रोल वाले जो पर्दे होते हैं वैसे मान लो। तो पथ चित्र पेंटिंग, आपको पेंटिंग्स के कंटेक्स्ट में उनकी थीम पता होनी चाहिए, प्लस लोकेशन, बस दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस लगता है बट बहुत सारी पेंटिंग हो जाती है तो ये बस भी ट्रक हो जाती है। फिर देखो अब पथचित्र हमारी कहाँ की है, उड़ीसा की, नंबर 1, बस। ठीक है बस, तो फिर अपना क्या है, पथ मीन्स कैनवस एंड चित्र मीन्स पिक्चर। एंड इसमें देखिए सारे के सारे जो है मोस्टली मैथोलॉजिकल डिपिक्शन ये करते हैं, सिंपल थीम्स होती हैं, और कलर जो है नेचुरल यूज किए जाते हैं। मोटे मोटे तौर पे देखो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं बताता हुआ चलूंगा, उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अब इसमें थीम्स देखो, एक तो है थाए बदिया, बस जगन्नाथ याद रखेंगे, जगन्नाथ कृष्ण लीला में कृष्णा एंड राधा की। ओके तो ये आपकी रहेंगी लॉर्ड कृष्णा की। दस अवतार पत्ती, यानी पत्ती तो वही है, पथ पथ चित्र, दस अवतार मतलब 10 इंकार्नेशन, पंचमुखी। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट है, तो इसमें आपको देखना है पांच मुख के गणेश जी के बारे में बताया हुआ है, फाइव हेडेड डेटी। अब यहाँ पे देखो ये जो पेंट करते हैं ये तुसार जो हमारा सिल्क है उस पे, और पाम लीव्स है उस पे करते हैं, वॉल हैंगिंग पेंटिंग्स, शोपीस वगैरह, यानी विद टाइम इन्होंने अपना चेंज किया है ताकि मार्केटिंग और उसका वो किया जा सके। ठीक है देखो, जब तक पता नहीं चलेगा और टाइम के हिसाब से आप बदलेंगे नहीं तो फिर आप आउटडेटेड हो जाएंगे, तब आपको कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, नो बडी इज गोइंग टू केयर कि आप पहले क्या थे क्या नहीं थे। हाँ अभी क्या हो वो डिपेंड करता है। देखो नेक्स्ट इज मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैथिली, बिहार, पहले सिर्फ वुमेन ही करते थे इसको, घर की दीवारों पे करते थे। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग ये टाइप के होते हैं,
फिर हमारा देखो इधर ही कालीघाट है वेस्ट बंगाल में, ये हमारे कैसे होते थे हिंदू गॉड और ये सब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, बट इसका एक जो इम्पोर्टेंट फीचर होता था काफी अनरियलिस्टिक, ओके तो ये भी आपको याद रखना है, यही आएगा। तंजावुर वाला मैंने बताया था, साउथ इंडियन सरफेस रिचनेस वाइब्रेंट कलर, ये तो जनरल बकवास है। हिंदू गॉडन गोडेसेस उसमें कृष्णा के ज्यादातर हैं और ब्लू कलर उसकी आईज के लिए यूज किया गया है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। पिथोरा ये हमारे रथो एंड भिलास ट्राइब ऑफ गुजरात, तो पिथोड़ा पेंटिंग कहाँ है, गुजरात की। कलमकारी जो बार बार सवाल पूछा गया, कलम मतलब पेन, ये आपकी मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, दो टाइप की होती है, हैंडमेड एंड ब्लॉक प्रिंटेड। देखो या तो हाथ से बनाई जा सकती है जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या फिर उसी को जैसे अपना सिग्नेचर होता है, ठीक है, या अपन थपाने लगाते हैं जो मान लो साइन वाइन करने वाला नहीं होता, जैसे मान लो मैं साइन करूँ और नीचे लिखते हैं कि भाई मेडिकल ऑफिसर और ऐसा करके, जैसे मेरे पास पहले होता था, तो वैसे करके भी आपका हो सकता है। जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं तो वो अपना रहेगा, तो ये अपना रहेगा, तो ब्लॉक पेंटिंग भी हो सकती है। ब्लॉक पेंटिंग के पीछे रीजन क्या है, इजी टू मेड हो जाता है, ठीक है, बट है कलमकारी ही। वर्ली, वर्ली उर्ली कहाँ की है, वर्ली ट्राइब महाराष्ट्र की थी, उर्ली बताओ पहले, तो उर्ली कहाँ की है। यहाँ पे देखो सीन फ्रॉम सोशल कल्चरल लाइफ आपके रिप्रेजेंट करे जाते हैं, बैम्बू स्टिक है, उसको अगर आगे से च्यू कर लोगे तो वो ब्रश का काम करती है, वो यहाँ पे रहता है। किशनगढ़ पेंटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मुगल और लोकल स्टाइल में रहती है राजस्थान के किशनगढ़, कृष्णा और राधा, ठीक है। अब यहाँ से एक सवाल आया था, इंडिया की जो मोनालिसा है, इंडिया मोनालिसा, इंडियन मोनालिसा वो कौन सी है, वो भी बताइए। उर्ली भी आपने बताया है, इंडिया मोनालिसा भी बताओ। थंका पेंटिंग्स, थंका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धा पेंटिंग्स है तिब्बतन फॉक, और ये हमारे ईस्ट की ही रहती है, ठीक है, सिक्किम विक्किम के आसपास के रहेंगे, सिक्किम लद्दाख, ठीक है। तो ये हमारे जो जो इसमें थी वो अपन ने डिस्कस कर ली है, बाकी भी बहुत सारी हैं वो अपनी बच गई, जैसे हाँ रोगन, तो ये हमारे गुजरात की है, रोगन हमने कहाँ किया था, गुजरात में, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर क्या आया है, गुड मॉर्निंग नॉलेज टीवी, क्या 2 मंथ में हो जाएगी एचसीएस की तैयारी, अब स्टार्ट करें तो। आई हैव अ स्टूडेंट हु हैज क्लियर एचसीएस इन 2 मंथ, तो आई कैन से येस डेफिनेटली, बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड व्हाट आर यू स्टडिंग इन दोज 2 मंथ, तो ऐसा है, ठीक है। तो लास्ट टाइम मेरी एक स्टूडेंट है पूनम, शी इज फ्रॉम चंडीगढ़, शी हैज क्लियर इन 2 मंथ्स वाइल वर्किंग, ही टुक अ लीव, 1 महीने की उसने छुट्टी दी थी लास्ट में, बट यस शी डिड। तो देखो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती धरती पे, आदमी मार्स पे जा रहा है, ठीक है, कॉलोनी बनाने के लिए, एचसीएस एग्जाम क्या चीज़ है। चलो अब अगला क्या है, हाँ जगन्नाथ कृष्णा, पैथकर, पैथकर भी यस झारखंड, एंड चेरियोल, चेरियोल तेलंगाना, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। केरला, केरला हो जाएगा, ठीक है, केरला, हाँ। सेकेंड क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, इंडियन मोनालिसा के बारे में तो बताओ, कौन सी पेंटिंग को बोला जाता है इंडियन मोनालिसा, जो सवाल पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है, हाँ नीचे आंसर कर दिया है, आई एम सॉरी मैं वो देख नहीं पाया, मैं स्क्रॉल कर रहा था तो ऊपर वाले थे, ठीक है, बनी था नहीं, वेरी गुड, किशनगढ़ स्कूल की ही है, एंड सुमन एंड स्टार मून, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो देखिए अब ये सवाल था कि 6 न्यू सर्कल्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ऐड करे गए हैं, हमें कुछ नहीं करना है इसे, ठीक है, राजकोट सर्कल, जबलपुर, त्रिचुरापल्ली, मेरठ, झांसी, बस ये याद रखो कि 6 ऐड करे गए हैं। कौन से मिनिस्ट्री में है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, किसका सक्सेसर है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, कब बनाई गई थी, 1861 में, किसने, सर अलेक्जेंडर कनिंगम विद द हेल्प ऑफ वायसराय कैनिंग, वायसराय कैनिंग हमारे कौन से एक्ट में बने थे ये बताओ, ठीक है। देखिए आर्कियोलॉजिकल एंड रिमेन साइट एक्ट आपका आया था 1958 एंड एंटीक आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, इसके अंडर हम इनको करते हैं, ठीक है। ठीक है संदीप, रियलिटी है यार, मतलब समटाइम्स इफ यू थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड यू थिंक अबाउट व्हाट मतलब इज हैपनिंग, तो एनीथिंग कैन बी डन, इट कैन, यस राइट, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, आप लोग अभी बताएंगे जरूर, 1858, ठीक है, इसको अपन करेक्ट कर लेंगे, डन। अब हम
ये हो गया अपना, ठीक है। कभी भी देखो आगे बढ़ना है तो ऊपर देखो, सेटिस्फाई होना है तो नीचे, ठीक है। ये कॉमन सी चीज़ है बट मतलब इट हेल्प्स अ लॉट बिकॉज आपके पास यू हैव एवरीथिंग टू सर्वाइव। इफ यू हैव एवरीथिंग टू सर्वाइव बट यू हैव टू डू फाइंड योर पोटेंशियल, ठीक है, कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखो अब तुम क्या कर सकते, ठीक है। देखो अब ये संविधान के दो तीन हमारे आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 29 हम जानते हैं इसको, 29 एंड 30, एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अच्छा ये बताइए माइनॉरिटी जो हमारा है, माइनॉरिटी जो हमने टर्म यूज करी गई है वो 29 में यूज करी है या 30 में यूज करी है, टर्म मैं पूछ रहा हूँ। सेकंड देखो राइट टू कंजर्व हो गया है, देखो ये यानी ये आपका फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में भी आ रहा है, DPSP 49 में भी आ रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट और ये सब 51A ड्यूटी की कैटेगरी में भी आ रहा है। तो क्या अगर आपके पास सवाल आएगा तो ऑल ऑफ द अबव आंसर जाएगा इसका, डेफिनेटली यस, ठीक है। तो 51AF AG दो दो है, एक तो रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर आपको प्रोटेक्ट करनी है एंड नेचुरल एनवायरमेंट, ठीक है, इसमें अपना 20 भी आ जाएगा। कंफ्यूजन हो गया, नरेन ने 29 आंसर किया है, 30 में है नरेन। देखो 29 में लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन और 30 में मेंशन है कि माइनॉरिटी बिलोंगिंग टू टू कैटेगरी जो आपका लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन, ठीक है। अगला देखो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, यहाँ पे हमारे पास बहुत, ये एक जर्नल है मेंस के हिसाब से कि भाई हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जैसे संगीत नाटक अकेडमी, CRT, KF, तो इनके दो चार अपन देख लेते हैं। जैसे जो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया ने अभी 13 आपके कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में आपके डाले हुए हैं, 5 ब्रॉड डोमेन में ये हमारे रहते हैं इंटेंजिबल, जैसे ओरल ट्रेडिशंस, ठीक है, एन एक्सप्रेशंस, परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल प्रैक्टिस, रिचुअल फेस्टिवल, नॉलेज प्रैक्टिस कंसर्निंग नेचर एंड यूनिवर्स, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, ठीक है। एक हमारा इंटेंजिबल में रमान रमान करके है ना, रमान, ये कौन से स्टेट का है, खुदा हो गए तो कर लो, वेरी गुड दीक्षा, चलो लेटेस्ट कौन सा ऐड किया है वो बता, एक तो लेटेस्ट बताएंगे और एक रमान, उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर, दुर्गा पूजा एब्सोल्युटली, ठीक है चलो अभी ऐड किया था, उससे पहले कौन सा ऐड किया था, चलो देखो अब हमारा आ रहा है पपेट्री आर्ट, ये अपन जब मैप कर रहे थे मैंने आपको बताया था ये सारे के सारे वही हैं। देखो थोलपो कुत्थू ये है आपका रामायण के बेस पे, ठीक है, केरला की थोलपो कुत्थू पपेट्री आर्ट, शेडो पपेट्री, शेडो वाला क्या होता है, एक स्क्रीन रहेगी, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ मेरे पीछे स्क्रीन है, यहाँ पे लाइट सोर्स है तो वो शेडो से बनाई जाती है, तो थोलपो कुत्थू, ठीक है, ये लेदर की पपेट्स होती हैं, देवी टेम्पल्स में आपकी रहती हैं, पलक्कड़, त्रिशूर, मल्लपुरम यहाँ पे आपकी मिलती है 9th century से लेकर, ठीक है। अम्बा नारायण इसका बेसिक टेक्स्ट, रामायण इसका बेसिक टेक्स्ट है, ठीक है। सुमन गुड मॉर्निंग, चलो ठीक है कोई नहीं, देख लेना एक बार लिस्ट चेक कर लेंगे बस। देखो पपेट्स ये जो हैं पहले आपके डियर की स्किन से बनाए जाते थे, अभी गोट की स्किन से, एक्चुअली क्या है कि इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे लिए काम का ज्यादातर क्या है, एक तो लोकेशन, ठीक है, और एक ऐसी यूनिक सी चीज, क्योंकि उसमें क्या है कि वो थोड़ा सा वो करता है, मतलब UPSC जो है इसमें थोड़ा सा फोकस करता है इस टाइप की यूनिक चीज़ों पे, तो मज़ा आता है, ठीक है। पेंटेड इन वेजिटेबल डाइज और ये सब, नाउ देखो पपेट्री आर्ट इन इंडिया अपन देखते हैं, यस देखते हैं, लेफ्ट okay. देखो अब अपन करेंगे आगे वाले, पहला क्या है स्ट्रिंग पपेट, स्ट्रिंग वाले सारे के सारे देखते हैं, नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, और ऑल्सो कॉल्ड एज मैरियोनेट, मैरियोनेट भी टर्म याद रखेंगे, ठीक है। कठपुतली राजस्थान,
वुडन की डॉल्स होती हैं, यूनिक फीचर क्या है कि इनके लेग्स नहीं होते, ठीक है, वो लेग से ऊपर ऊपर का बना के ही उनको चलाते हैं स्ट्रिंग से। सुंदेही मैंने क्या बताया था, उड़ीसा, सुंदेही के आगे एक दो टर्म और लगा के ये शेडो वाली भी आएंगी इसमें, ठीक है। गोम्बे अट्टा क्या था, कर्नाटक। गोमल अट्टम क्या था, तमिलनाडु। एटलीस्ट नाम भी ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। देखो पांच पांच फीट की, दस दस किलोग्राम की भी रहती है बोमल अट्टा में, ठीक है। शेडो पपेट अपन ने देख ही लिया कि भाई स्क्रीन रहेगी ये लाइट सोर्स, तो ऐसे शेडो बनेगी, तो सोर्स ऑफ लाइट के अगेंस्ट है अपना। देखो तोगालू गोबेयट्टा, गोबेयट्टा अगेन कर्नाटक। रावण छाया उड़ीसा, रावण की छाया उड़ीसा में थी। थोलू बोमेयट्टा, ठीक है, यह आपका आंध्रा में, ठीक है, थोलू ओलू आंध्रा में था। रोड पपेट, रोड वाली आपकी एक्सटेंशन होती है ग्लव पपेट का, ग्लव वाली क्या होती है, मैं हाथ में पहनता हूँ और ऐसे ऐसे करता हूँ, ठीक है, और रोड वाला क्या है, लंबा रहेगा और उसके आगे रहेगा। यमपुरी, देखो यमराज कहाँ थे, बिहार में। पुथुल नाच, नाच कहाँ पे रहे थे, बंगाल उड़ीसा असम के बीच, ठीक है, पुथुल नाच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुथुल नाच याद रखेंगे, ठीक है, यमपुरी भी। और देखो ग्लव पपेट में क्या है, स्लीव्स हैंड एंड पाम पपेट्स आपकी होती हैं। सिंपल एग्जाम्पल देखिए, पवकुथु, पवकुथु अगेन केरला, ठीक है, शुरू वाला भी अपना केरला का था, ये भी हमारा केरला का है। चलो कोई नहीं, उधार पे चल रहे हैं, एक ऐसा दिन भी आएगा जब तुम्हारे पास खूब सारे पैसे एंड फैक्ट एवरीथिंग व्हाटएवर स्ट्रॉन्गली बिलीव। मैंने भी बहुत जिंदगी उधार में निकाली है, पार्डन पार्सल, बी हैप्पी अबाउट। अगला देखो, श्री रामचंद्र मिशन, ये हमारा कुछ नहीं है, 75 ईयर पे जैसे मोदी जी ने कर लिया था, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देती है, सहज मार्ग, हार्टफुल मेडिटेशन, सिंपल बात है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है। 1945 में श्री रामचंद्र ऑफ शाहजहांपुर ने ये बनाया। हाँ, गुरु रविदास, देखिए रविदास हमारे भक्ति मूवमेंट के संत थे, वो हमें पता ही है। 1377 में मंधु, ठीक है, मंधु दे, ये आपके यूपी में है, यहाँ पे अपना है। फिर देखिए अगला देखो, अगला अपन क्या देखते हैं, आदि ग्रंथ, सॉरी, इसमें जो अपना रविदास है उसमें आदि ग्रंथ ऑफ सिख एंड पंचवाणी, देखो ये दोनों टर्म याद रखनी है, इनमें दो, दीज आर द टू ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड जिसमें गुरु रविदास की बात करेगी। मेरा भाई के स्पिरिचुअल गुरु थे, रैदास भी इनको अपन बोलते हैं। देखो ये तो सबने बातें करी थी कास्ट डिविजन पे, ठीक है, और इन्होंने जो धर्म बनाया था उसका नाम क्या था, रविदास रिलीजन या फिर रविदास धर्म। और ये ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड पे बात करते हैं, ये हमारा हो जाएगा। ओनली ये कहते थे कि द ओनली वे टू मीट गॉड वाज टू फ्री द माइंड फ्रॉम द ड्यूअलिटी, जो हम सोचते हैं ना कि यार मेरा आपका या फिर सब अलग है, ठीक है, मतलब मैं अलग हूँ भगवान अलग है, तो ये कहते थे ऐसा आपको सोचना छोड़ना पड़ेगा, यानी अद्वैत काइंड ऑफ जो हमारी फिलोसफी है, ठीक है, एस आर एम में अपन थे, शंकराचार्य वाली काइंड ऑफ ये बातें कर, ठीक है। मानी लेट हो गई आज, मानी गुड मॉर्निंग, कोई नहीं विकास, सबसे ले लेंगे, टेंशन ना ले, सब देंगे। अब हमारा ये देखो एमसीक्यू वाला हो गया है, नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हमारा आ रहा है महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर डिस्प्यूट। अभी ये देखो 2004 से आपका चल ही रहा है, वैसे अपन ने प्रीवियस मंथ में इसको देखा था, बट एक थोड़ा सा इसमें जो भी एक दो चीजें काम की हैं वो मैं बता देता हूँ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में, देखो बेलगांव और 10 तालुक थी बॉम्बे की, ये चाहते थे महाराष्ट्र में रहें, बट वो मैसूर स्टेट को दे दी गई कर्नाटक को, नंबर वन। सेकंड, यहाँ पे इन्होंने जो कमीशन बनाया था इसका नाम आप याद रखेंगे, महाजन कमीशन 1966 टू लुक इनटू द बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। यहाँ पे कौन थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस इन अपने इंडिया के मेहर चंद महाजन, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। अब ये हो गया, अब अगला देखो, अगला है अपना नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये सवाल अपन ने पहले भी देखा था, आप लोगों ने बताया भी था, हिमाचल में सबसे पहले, अरुणाचल में एक्चुअली हमारे प्रेसिडेंट गए थे देखने के लिए तो वो हो गया था। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में पहला आपका बना है अरुणाचल, अगर ओवरऑल इंडिया देखे तो पहली हमारी कौन हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश, और हम किसके अंदर देख रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री, ठीक है। हमारे क्या थी वो, पार्लियामेंट्री कमेटी, पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री अफेयर,
पार्लियामेंट्री अफेयर वाली कमेटी का कौन होता है हेड? आर्टिकल 370 महाराष्ट्र और 371 ए नागालैंड, अपन ने कल ही किया था, और हुजलीगर, ठीक है, याद है। देखो अब इसमें होम मिनिस्टर एब्सोल्युटली राइट। देखिए फंडिंग कहाँ से आती है? मोपा से ही आती है। टेक्निकल सपोर्ट कौन देगी? मैती, क्योंकि आपका टेक्निकल टाइप का काम हो रहा है ना। फिर देखिए आईटी एक्ट 2000, इसमें क्या हुआ कि मैती ने इशू किया ट्विटर को कि 250 अकाउंट सस्पेंड किए थे, बट ट्विटर ने वो दोबारा से रिवाइव कर दिए। तो इसके कंटेक्स्ट में कुछ दिया था, मतलब उन्होंने कहा था सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू ब्लॉक द ऑनलाइन कंटेंट एंड अरेस्ट द कल्प्रिट, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा हमारा वो कौन सा एक्ट था जो आपका इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया था, मतलब वॉइड कर दिया था? भीम तंवर, अ वेरी गुड मॉर्निंग भीम। देखो चलो बताओ, I'm waiting 2-3 seconds. देखो अगला हमारा है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन बिल 2021, इससे रिलेटेड भी हम एक बार ऑलरेडी सारा कर चुके हैं। आर्बिट्रेशन क्या है, कंसिलेशन क्या है, सारी चीजें, मीडिएशन क्या है, थोड़ा थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं। देखो क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर, इंडिया में आर्बिट्रेटर कौन बन सकता? आर्बिट्रेटर कुछ नहीं है, मान लो दीक्षा और प्रिया के बीच में लड़ाई हो जाए और वो कोर्ट में नहीं जाना चाहते, वो बाहर ही सुलझाना चाहते, लड़ाई मोस्टली कमर्शियल होती है, ठीक है, पैसे को। अभी तो वो सिचुएशन चल ही रही है, वो क्या है, वो मेरे पास आएंगे, वो कहेंगे कि सर आप आर्बिट्रेटर बन जाओ, बट वहाँ पे एक कंडीशन होगी, अगर मैं आर्बिट्रेटर बनूंगा तो मैंने जो आपको बता दिया, ठीक है, वो हमारा कहाँ पे जाएगा, मतलब वो बाइंडिंग रहेगा, ठीक है, तो वो उसको मना नहीं कर सकते, और कोर्ट में भी मैं जाके उसको मतलब एनफोर्स करवा सकता, वो हो गया आर्बिट्रेटर। बट अगर वो चाहते हैं कि सिर्फ कंसिलिएशन ही करना है, तो कंसिलिएशन में क्या होगा, मेरे साथ बैठ के हम तीनों बात करेंगे और बीच का जो रास्ता निकलेगा, ठीक है, उस पर मान लेंगे, मांड वाली टाइप, ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग मोहित, क्वेश्चन हाफ ही है। हाँ 66A, मैं एक्चुअली आईटी एक्ट का क्वेश्चन पूछ रहा था, आईटी एक्ट का वो क्वेश्चन, क्योंकि आईटी एक्ट अपन डिस्कस कर रहे थे ना, 99th में कहाँ जा रहे हो सब। पढ़ो देखो अगला, देखो ये हो गया अपना, चलिए अब ये हो गया। हाँ आर्बिट्रेशन क्या है, इट इज एन ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। नंबर वन, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे जाते हैं, वन और पर्सन हो सकता है, बाइंडिंग रहेगा, ये वाली चीज याद रखनी, ठीक है। फिर सेकंड हमारा एनफोर्सेबल रहेगा, थर्ड आपका मोस्टली कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए रहता है, ठीक है। अब अगला हमारा क्या आ रहा है, पॉसिबल टर्म ऑफ सेटलमेंट, कंसिलिएशन में आप मांड वाली करेंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे और फैसिलिटी, ठीक है, चलो कोई नहीं, और अच्छे से। अगला देखो मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020, इसकी बस मेजर थीम्स ही मैं बता देता हूँ, ज्यादा अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं। देखो ये क्या करना चाहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग एंड टू इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म इन द गवर्नेंस ऑफ द मेजर पोर्ट। अभी हमारे पास कितने पोर्ट हैं, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर बताइए। देखो अब इसमें जो चेंज करे गए हैं, एक तो जो बोर्ड है इसका, जो इसको गवर्न करेगा, उसको सिंप्लीफाई किया गया, पहले 17 से 19 मेंबर होते थे, अब 11 से 13 प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट मेंबर भी इसमें अपॉइंट करे जाएंगे। थर्ड देखो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज का इंक्लूजन है, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट प्लस मिनिस्टर ऑफ रेलवे, डिफेंस, रेवेन्यू, कस्टम्स, ताकि मिलके सब लोग काम कर सके, ओके। फिर इसमें हमारा एक रहेगा टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, KMP, ठीक है, इसको भी रिडिफाइन किया गया है, इसको पावर दी गई है, मोर पावर टू फिक्स द टैरिफ, पोर्ट अथॉरिटी के पास अब ये भी पावर हो जाएंगे, ठीक है, 14, ठीक है, 10+1। तो ये हमारा हो गया, बस इसमें इतना ही याद रखोगे, बाकी अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। वाधवान लेटेस्ट, एब्सोल्यूट राइट प्रिया। देखो
अगला क्या है, ई छावनी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, नाम से ही पता चल रहा है छावनी। छावनी हमारा क्या होता है, कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट में हम क्या करते हैं, आपका सिविल भी रहते हैं और डिफेंस भी रहता है, सब लोग मिलकर रहते हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराना बेसिकली काम है। तो देखो कौन सी मिनिस्ट्री में आते हैं, कैंटोनमेंट, डिफेंस। और कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट हमारा है 2006 का, उसी से गवर्न किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये देखो डिफेंस मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ई छावनी मोबाइल ऐप। अब यहाँ पे हमारे पास मोर देन 20 लाख रेजिडेंट हैं इन 62 कैंटोनमेंट्स। सारी की सारी बेसिक सर्विस देखो, जैसे इनको लीज रिन्यू करवानी है, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, वाटर सीवरेज कनेक्शन, मोबाइल टॉयलेट लोकेट, व्हाटएवर, पेमेंट ऑफ डिफरेंट टैक्सेस एंड फीस, तो सारा का सारा ई छावनी से ये कर सकते हैं। थोड़ा सा मिलिट्री कंटोनमेंट के बारे में देख लेते हैं। सिविक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसमें भी जो हमारी डिफेंस सर्विसेज की अपॉइंटमेंट होती है, ये भी आपके यूपीएससी के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसी पेपर में आपके लास्ट में सर्विसेज होती हैं 24 जो सर्विसेज हैं, उसमें एक डिफेंस वाला भी है, उसमें आपको सीईओ ऑफ कैंटोनमेंट एरिया बनाया जाता है। ठीक है, सिविल और डिफेंस में, तो ये एक मिक्सचर है दोनों का। ठीक है, अब देखिए इसमें प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ दोनों ही, सिविलियंस भी रहेंगे और मिलिट्री भी रहेंगे, उनकी फैमिलीज रहती हैं। नोटिफाई किया जाता है गैजेट बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कौन सा आया था, कैंटोनमेंट एक्ट 2006। इनके जो मेंबर होते हैं उसकी टर्म होती है 5 ईयर। इसमें देखो अलग अलग कैटेगरी है, वैसे कैटेगरी 1, 2, 3, अगर 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, 10 से 50 के बीच में है, लेस देन 10 है, तो ये सब करके अपन ने बना रखा है, और लेस देन 5 है तो अलग, या 2,000 से 5,000। ठीक है भारती, पता चल गया। वाधवान, वाधवान महाराष्ट्र। देखो अगला हमारा क्या है, गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई थी नीति आयोग की छठी, तो हमें थोड़ा सा गवर्निंग काउंसिल के बारे में बताना चाहिए। नीति आयोग का आपको पता ही है, चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, सीईओ अपॉइंटेड होता है अमिताभ कांत। ठीक है, सी हो गया, अब काम तो सारे वही करेंगे। गवर्निंग काउंसिल की कंपोजिशन अपन देख लेते हैं। देखो नंबर 1 तो कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर सारे के सारे स्टेट्स के, यूटी के विद लेजिस्लेचर, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अदर यूटीज, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड स्पेशल इन्वाइटी। कुछ एक्स ऑफिशियो होते हैं बिकॉज वो ऑन ऑफिशियल में होते हैं, तो वो गवर्निंग काउंसिल में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है जनरल को। ठीक है, देखो अर्बन गवर्नेंस में अपन सारा कल ही देखा था, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, पीपल प्रोसेस प्लेटफॉर्म और ये सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को प्रमोट करनी है। इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज सबके साथ मिलकर अपन करेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन NISC बेंगलोर पे ये हमारा है। ओके, स्मार्ट कोड प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस समय इतना। ठीक है, अगला डिलिमिटेशन प्रोसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, बट एक चीज़ याद रखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 82 टॉक्स अबाउट कि पार्लियामेंट एनेक्ट्स डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, ताकि उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना सकें। ठीक है, 279A GST काउंसिल। ठीक है भारती, क्यू अब ये अपना हो गया। देखो अब आते हैं अगला, ज्योग्राफी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें देखिए सबसे पहले न्यूज, सुंदरबन होम टू 428 स्पीशीज ऑफ द बर्ड, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी कि भाई यहाँ पे ज्यादा है। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट जो हमें पता होना चाहिए, नंबर 1 वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ओके, देखो ये उल्लू, तो ये मिला था। ठीक है, देखिए सुंदरबन, सुंदरबन हमारा क्या है, ओके हाँ वाइजैग, विशाखापट्टनम। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो रहा था भारती, चलो कोई नहीं। ठीक है भारती, हाँ अब देखो सुंदरबन आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट हो गया, 140,000। किस किसके पे है, गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर का डेल्टा बनता है यहाँ पे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका 1987 में आपका इंस्क्राइब कर लिया गया था। देखो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, गंगेज, इरावडी डॉल्फिन, वाटर मोनिटर लिजर्ड, ORT, ओलिव रिडली टर्टल भी हमें मिल रहा है, ये ध्यान में रखना, बंगाल टाइगर, ये तो आपको पता ही है। इज द ओनली मैंग्रोव जहाँ पे आपके टाइगर पाए जाते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, ओनली आते ही वो स्टेटमेंट अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाए।
ओके, तो ये आपका वो रहना चाहिए कि हाँ जी हो जाएगा। अगला देखिए, इट कवर्स 60% इंडिया के जो टोटल मैंग्रोव एरिया है वो सिर्फ सुंदरबन में। सुंदरबन नेशनल पार्क आपका है, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व सब कुछ है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द रामसर साइट है आपका 2019 से रामसर में भी है। ओके, इसमें देखो एक और अगला अपना आ रहा है मास पिनफुट, ये दिख रहा है उल्टी लगी हुई है वैसे, ये है काफी सुंदर सा एक्वाटिक बर्ड है, एशियन पिनफुट या मास्क्ड पिनफुट इसको अपन बोलते हैं। तो ये इनका नहीं देखेंगे, देखो ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, पफी फिश ऑल लिस्ट कंसर्न, ऑल है तो लिस्ट कंसर्न। क्लाइमेट अडेप्टेशन सबमिट हुई 2021 की CAS ऑनलाइन, ठीक है, क्लाइमेट अडेप्टेशन सबमिट। हमने क्या याद रखना था, जो हमारा COP26 वो अपन ऑलरेडी नवंबर दिसंबर वाले में अपन ने काफी डिटेल में देख ही लिया था, ठीक है, तो वो आप ध्यान में रखो। देखो हाँ, इट वॉज होस्टेड बाय नीदरलैंड, बस क्लाइमेट से संबंधित बातें करेंगे, जनरल बातें और कुछ नहीं। इंडिया की वही सारी के सारी कमिटमेंट 450 हम रिन्यूएबल से करेंगे एंड ऑल दिस थिंग्स, तो जनरल बात। अगला देखिए, इरावदी वल्नरेबल, ठीक है, गंगावाली एंडेंजर्ड, ठीक है। अब देखो नेशनल मैराइन टर्टल एक्शन प्लान किसको बचाने के लिए, टर्टल को बचाने के लिए कौन लेके आया, MOEFCC, इन्होंने मैराइन मेगा फोना स्टैंडिंग गाइडलाइन या फिर नेशनल मैराइन टर्टल प्लान रिलीज किया। हमारी कोस्ट लाइन कितनी है 7500 किलोमीटर की, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सारा का सारा मैराइन सिस्टम, ठीक है, तो वो अपना हो जाएगा। तो ये है, फिर हमारा आ रहा है, चलिए देखिए बाकी सारे तो जनरल बकवास है, काम की चीज नहीं है तो नहीं बताएंगे। इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरमेंट कुछ नहीं, इंडिया और फ्रांस मिलके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन पे बातें करेंगे, जनरल बकवास। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंटल समिट कोई बात नहीं, कर ली। हाँ, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंटल समिट ये 20वीं समिट हुई थी, कौन ऑर्गेनाइज कराता है इसको, टेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से क्या लगेगा, देखो कि भाई बाहर होती होगी, तो ये हमारे इंडिया का ही करा रहा है टेरी, ठीक है। अब टेरी के बारे में थोड़ा सा अगर अपन देखें, की पॉइंट्स क्या थे, की पार्टनर कौन होते हैं इसके, MOEFCC, MNRE और अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इट इज एन रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1974 न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर। ओके, इनके एक चेयरमैन थे ना जो न्यूज में रहे थे फॉर सम बैड रीजंस, क्या नाम था उनका, अभी तो शायद उनकी डेथ हो गई है। कल ही अपन डिस्कस कर रहे थे शायद, कल हमने क्या बात करी थी, इरावदी डॉल्फिन के बारे में ही तो बात कर रहे थे और उसी को चेक करके वल्नरेबल बताया था। चलो कोई नहीं, एक बार फिर से मैं ही देख देता हूं, कंफ्यूजन ही रहेगा। ओके, एक तो जब देखने लगते हो ना चीज तो बिल्कुल आराम से नहीं मिलती। अब तो मैं इसको कंफर्म करके ही चलूं, ओके एंडेंजर्ड ही दिखा रहा है, ठीक है, IUCN में ये आपका क्या है, एंडेंजर्ड, चलिए डन हो गया। वाइल द थ्री रिवराइन सब पॉपुलेशन आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मैकोंग वाली ही एंडेंजर्ड दिखा रहा है यार, चलो ठीक है, हाँ डन डन, ठीक है, चलिए थैंक यू, ओके ठीक है प्रिया, चलो इन्हीं दोनों में से लेंगे, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, चलिए कंफ्यूजन दूर हो गया,
कल फिर वल्नरेबल को लेके इतना क्यों हो रहा था, फिर सब लोग वल्नरेबल ही कर रहे थे और वो डिस्कशन क्यों हुआ था फिर? आशीष गुड मॉर्निंग, देखो अब हम आते हैं आगे, की गोल्स वगैरह कुछ नहीं। हाँ ये देखो, ये जो उंगली दिख रही है और उंगली के ऊपर ये बैठा हुआ दिख रहा है रेप्टाइल, ठीक है, तो ये है आपका कैमलियन, सबसे छोटा डिस्कवर हुआ है, स्मॉलेस्ट अडल्ट रेप्टाइल कहाँ पे? मेडागास्कर। अब हमें मेडागास्कर के बारे में पता होना चाहिए, तो नेम दिया गया है ब्रुकेशिया नाना, ठीक है ब्रुकेशिया नाना। तो ये देखिए मेडागास्कर में अपना कहाँ है, ये मेडागास्कर कहाँ है, इंडियन ओशन में है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे बीच में कौन सा आपका स्ट्रेट आता है, मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक याद रखेंगे 4400 किलोमीटर का आपका यहाँ पे गैप है, और फोर्थ लार्जेस्ट आपका आइलैंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे नहीं लिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक है, ये रहेगा मैनिला आइलैंड, ठीक है। देखो कैपिटल सिटी क्या है, एंटानानारिवो, ओके। फिर अगली हमारी न्यूज है आपकी, इरावडी डॉल्फिन और यार ये कंफ्यूजन सा ही है। अब ओशियाना अलग अलग है इसमें, ओशियाना ब्रेविस्टोरिस यही मेरे पास विकिपीडिया पे आपका एंडेंजर्ड दिखा रहा है, IUCN में ही चलो कोई नहीं प्रिया, IUCN की जो एक्चुअली IUCN वाली जो साइट है उस पर दिखाई नहीं रहा कुछ ज्यादा, पहले तो वो सेपरेटली लिखा हुआ आ जाता था। ओके IUCN, हाँ डन डन डन, IUCN की साइट पे भी आपका ये एंडेंजर्ड है, ओके तो इसको एंडेंजर्ड ही मानेंगे। IUCN की साइट पे मैंने चेक कर लिया है, ठीक है तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए नेक्स्ट है अपना GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, एकदम से जो आपकी ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट हो जाता है वो, देखो यहाँ पे कहाँ पे हुआ, चमोली में हुआ, एकदम से बहुत सारा पानी आपका आ जाएगा, होता क्या है कि ग्लेशियर में वाटर जो डैम्ड है एकदम से उसमें आपस में इरोजन हो गया आसपास, तो ये प्रो ग्लेशियर लेक्स होती हैं, ग्लेशियर में बनी होती हैं, दे आर ऑफन बाउंड ओनली बाय द सेडिमेंट एंड द बोल्डर्स, ये धीरे धीरे से ब्रीच हो जाते हैं, पानी एकदम से निकल जाता है। कॉजेस क्या हो सकते हैं, वाटर प्रेशर, अर्थक्वेक, एवलांचे, ओके ये सारे के सारे हो सकते हैं, हैवी रेनफॉल मोस्ट कॉमन कॉज, लॉन्ग टर्म डैम डिग्रेडेशन एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, कुछ नहीं। वेम्बनाद लेक हमारी न्यूज में है, हम सब कुछ जान चुके हैं ऑलरेडी, देखो यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा था विल्लास का, अबाउट वेम्बनाद इसको अपन क्या बोलते हैं, वेम्बनाद कायल होल और पुनामदा लेक, कोची लेक इन कोची, ठीक है। लॉन्गेस्ट है इंडिया की, लार्जेस्ट है आपकी केरला की, लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी थी। अब यहाँ पे देखिए सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट आफ्टर सुंदरबन, नंबर वन पे सुंदरबन, यहाँ पे आपका देखो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी होती है, कुमारोम बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द लेक, थोड़ी मोटी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमें याद रखनी है इसी, ठीक है। फिर ये देखो सुंदर सा मैंडरिन डक, मैंडरिन, ठीक है मैंडरिन क्या होती है, मैंडरिन कुछ पता है क्या, मैंडरिन मैंडरिन टर्म किसके लिए यूज किया जाती है, देखो ये ब्यूटीफुल सा डक जो है ये वेटलैंड ऑफ आसाम में आपका मिलता है, ऑल्सो मणिपुर की लोकटाक लेक में भी मिला था, इनके बारे में अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, लीस्ट कंसर्न है, ठीक है तो कोई ज्यादा इस पे भाव नहीं दे रहा। उसके बाद देखो मगुरी मोटापुंग बेल और वेटलैंड, इसके पास में एक ये चीज मिल रही है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, कौन डिक्लेयर करता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये क्या है एनजीओ, ये यूपीएससी में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है व्हाट इज दिस एनजीओ एंड ऑल दिस थिंग्स, लोकेटेड क्लोज टू डिब्रू शिखाओ नेशनल पार्क एंड अपर असम, ठीक है ये रहेगा डिब्रू शिखाओ नेशनल पार्क, ये हमारा कहाँ है असम में है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के साउथ बैंक पे, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या मिल रहा है, ये चीज याद रखेंगे, सेमी एवरग्रीन, डेसिड्यूस, लिटोरल, स्वैम्पी, ऑल काइंड ऑफ फॉरेस्ट, एंड ऑल्सो जो हमारे अदर नेशनल पार्क हैं जैसे काजीरंगा,
ठीक है, ये याद रखना है, राजीव गांधी ओरांग, ओरांग याद रखना है, मानस ना मेरी ना तेरी, ये भी असम के, ठीक है। चलिए, यस मैंडरिन चाइनीज को बोलते हैं, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। गुड मॉर्निंग शशि। चलिए अब हम आगे आते हैं, जायंट लेदरबैक सी टर्टल, ये बहुत बड़ा सारा होता है अंडमान निकोबार में, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला काम के लिए न्यूज में आ रहा था, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी, इसलिए ये न्यूज में है। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको बोलते हैं लूथ टर्ट, लेदा, लेदा नहीं होता है, लेदा बोलते हैं ना अपन हिंदी में, ठीक है, तो लूथ लेदरी लेदर, ठीक है, सिंपली द लूथ भी इसको बोला जाता है। लार्जेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग टर्टल्स एंड फोर्थ हैवीएस्ट मॉडर्न रेप्टाइल, इससे आगे सिर्फ तीन क्रोकोडाइल ही है। ओके, कहाँ पाया जाता है, ऑल द ओशन एक्सेप्ट आर्कटिक एंटार्कटिक के अलावा सब जगह, इंडियन ओशन में ये नेस्ट करता है विद इन ओनली इंडोनेशिया श्रीलंका एंड अंडमान एंड निकोबार, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट में शेड्यूल वन ऑब्वियसली, ठीक है, ये रहेगा। बट आईयूसीएन में क्या है, वल्नरेबल, ठीक है, टीवी, तो हमारा एल टीवी, ठीक है, लूथ, लूथ क्या है, वल्नरेबल। फिर देखिए नीति आयोग ने इसका डेवलपमेंटल एजेंडा प्रपोज किया है अंडमान एंड निकोबार का, यार यहाँ पे हम टूरिज्म बढ़ा देंगे, फिल्म सिटी बना देंगे, पोर्ट जेटी रिजॉर्ट्स और ये सब बकवास, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ WCCB क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को रिसीव अवार्ड मिला है, एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 कौन देता है, UNEP, ठीक है, आखिरी के तीन साल में दो बार मिला है, 2018 में भी मिला, 2020 में भी मिला, ये ध्यान में रखोगे बस, ठीक है। देखो 2018 में भी इसको मिला था, 2020 में भी। अब WCCB के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी अंडर वॉट, MOEFCC, ये याद रखेंगे, कब बनी, 2007, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बनी है, ये याद रखोगे। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली, 5 रीजनल, दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई एंड जबलपुर। इंटेलिजेंस कलेक्ट करेगा, फॉरेन अथॉरिटी असिस्टिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, एडवाइजिंग, जनरल बकवास, ठीक है। हैदराबाद, ये भी आपका न्यूज में आया था, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया की पहली ट्री सिटी ये है हमारी, ये ध्यान में रखो। ओके ठीक है, नैरोबी हेडक्वार्टर, किसका हेडक्वार्टर है विकास, UNEP, देखो ये हो गया। हैदराबाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज 2020 सिटी बाय व्हाट, आर्बर डे ऑर्गेनाइजेशन। आर्बर का मतलब क्या होता है, आर्बर का मतलब ही ये होता है आपका पेड़, आर्बर मतलब होता है ब्रांचेस, ठीक है, ऐसे ऐसे ब्रांचेस, ये पेड़ हो गया, थोड़ी ड्राइंग देख, यस, अच्छा लास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ओके भारती, देखिए इट इज द ओनली सिटी फ्रॉम इंडिया जो इसमें है। अगला ये भी अपन ने पहले देखा हुआ था, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रमोशन अवेयरनेस एंड जनरल बकवास, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं, आपका कौन सा इंस्टीट्यूट काम करेगा, बी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नंबर वन, सेकंड हमारी कौन सी है इसमें, फेम इंडिया, ठीक है। फेम इंडिया क्या है आपका, फेम इंडिया हमें पता ही है, फेम इंडिया क्या है हमारा, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम 1-2 अपना चल ही रहा है, डन। अब देखो BEE के बारे में, BEE कब बना, 2002 में, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ये दोनों ही याद रखेंगे, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, इनिशिएटिव टेकन बाय BEE, कोई नहीं, जनरल स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, पैट स्कीम जो हमारी है, परफॉर्म अचीव ट्रेड स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम, स्टार्स जो अपन देते हैं, 1-2-3, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ठीक है, ये हो सकता है। ओके अच्छा, लेक्चर के एंड में मुझे बताना, आई हैव टू आस्क समथिंग फ्रॉम यू, ठीक है, कुछ सजेशन टाइप्स, तो वो बताना, आखिरी में पूछूंगा तब बताना, ठीक है। चौथा टॉपिक अपना है इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी में ये क्या कह रहा है, एग्री इंडिया हैकाथॉन, कृतज्ञ, कृतज्ञ हम किनके हैं, फार्मर्स के, तो सिर्फ कृतज्ञ सिर्फ ऐसा आएगा, कृतज्ञ इज वॉट विच वॉज इन न्यूज, तो फार्मर एग्री हैकाथॉन, हैकाथॉन जनरली क्या होती है, इनोवेशन हो रही आएंगे बैठेंगे बात करेंगे, जिसने अच्छी इनोवेशन कर रखी है उसको अपन नाम दे देंगे। किसने ऑर्गेनाइज कराई है, ICAR ने, टू प्रमोट इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, ICAR हमारा क्या है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में,
पहले इसको बोला जाता था इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ओके, 1929 में ये आपका बना था, एस्टैब्लिश हुआ 1860, जो हमारा सोसाइटी एक्ट है उसमें अपन इसको रजिस्टर कर रखा है। हेडक्वार्टर कहाँ है अपना? न्यू दिल्ली, ओके। अगला, माइक्रो इरिगेशन डेवलपमेंट, भारती पूछ रही है, इकोनॉमिकल ग्रोथ इज मेजर बाय रियल जीडीपी, व्हाई नॉट नॉमिनल जीडीपी। भारती, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जैसे मान लो आप 100 रुपए थे ईयर 2020 में, जीडीपी मान रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन चल रहा है, सिर्फ इन्फ्लेशन से ही आपकी जीडीपी, मान लो 5% ही इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन से ही 105, इन्फ्लेशन से ही 110.5, व्हाटएवर, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, अगर इवन आपने ग्रोथ नहीं भी करी तो भी आपकी नॉमिनल जीडीपी जो है वो ग्रो करती हुई दिख रही है 100 से 105 से 110। तो हम क्या यूज करते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? सीपीआई। तो उसमें डिफ्लेटर यानी इन्फ्लेशन हटा दो, इन्फ्लेशन हटाते ही क्या आएगा? रियल, यानी आपने एक्चुअल में कितनी ग्रोथ करी, हो सकता कम हो या ज्यादा हो। दैट इज द रीजन कि हम रियल जीडीपी को ही ग्रोथ मानेंगे, नॉमिनल को क्यों मानेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन जीडीपी डिफ्लेटर हटा के। देखो अगला हमारे पास क्या है, माइक्रो इरिगेशन डेवलपमेंट, क्लियर है भारती? देखो माइक्रो इरिगेशन में कुछ नहीं है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सारे के सारे इसमें आ ही रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2015 में शुरू हुई थी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। फिर ऐसे ही देखो इरिगेशन में हमारे पास कौन सी आ रही है, पीएम कुसुम, जिसमें हमने सोलर पावर आपके फार्म में लगाई है, ठीक है, उसमें सोलर सेट्स भी हमने लगाए हैं अलग अलग, स्टैंड अलोन सोलर पंप्स भी हैं, ओके, तो ये अपने रहेंगे। रोपवे अगला आ रहा है, रोपवे एंड अल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशन, कोई नहीं, ये रोपवे वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हम रोपवे को भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर द रियल इन्वेस्टर्स, ये अपन ने देख चुका है, आरबीआई ने अलाउ किया है कि अब रिटेल में आप खरीद के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बट क्या आप बिडिंग कर सकते हो? बिडिंग नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान में रखना, बिडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी भी नेगेटिव हो सकती है, एब्सोल्युटली बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है, और रियल भी नेगेटिव हो सकती है, उसी का मतलब रिसेशन ही है आपका, ओके, दोनों ही, ठीक है। तो अब हम आते हैं आगे, हाँ देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं किसके, गवर्नमेंट के, बहुत ही सिक्योर होते हैं, गिल्ट एजेड सिक्योरिटी भी इनको बोलते हैं, सेफेस्ट फॉर्म। दो टाइप के आपके रहेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लेस देन वन ईयर, लॉन्ग टर्म मोर देन वन ईयर। शॉर्ट टर्म में क्या है? ट्रेजरी बिल्स। लॉन्ग टर्म में क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तो दोनों ही इशू कर सकता है, ट्रेजरी बिल भी, डेटेड सिक्योरिटी। स्टेट गवर्नमेंट ओनली बॉन्ड, डेटेड सिक्योरिटी, ठीक है। गिल्ट एज्ड, गिल्ट अकाउंट भी इसको अपन बोलते हैं, क्योंकि गिल्ट मतलब गोल्ड, इसमें नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। ओपन एंड मेंटेन्ड फॉर होल्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कुबेर हमें पता ही है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ऑफ योर आरबीआई, सिंपल। देखिए गाइडलाइन फॉर द फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, अभी क्या हो रहा है, हम फ्लोटिंग डॉक्स बना रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, तो इसके लिए गाइडलाइन आई है, फ्लोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द कोस्ट लाइन, कि भाई किस टाइप के बनाओगे ताकि वर्ल्ड क्लास रह सके, बस और कुछ नहीं। फिर देखिए न्यू ऑयल एंड गैस एंड रोड सेक्टर प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल, कोई नहीं, हाँ यहाँ पे बस मैं इसको बताना चाहता था, मिशन पूर्वोदय, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ पूर्वोदय। पूर्वोदय किसके कंटेक्स्ट में? हमारा ईस्ट के कंटेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए एक हमारी आ रही है धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस लाइन, बहुत सारी आ रही हैं, बट अगेन मैं आपको ये हाईलाइट कराना चाहता था, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, तो ये किसके अंडर है? ऊर्जा गंगा, ठीक है। ये तो हो गया ऊर्जा गंगा, एक और गंगा बह रही थी ना, इसमें आपके पीएचडी स्कॉलर्स और वो सब अपना रिसर्च प्रोजेक्ट और ये सब शेयर करते हैं, वो कौन सी गंगा है बताओ? यू हैव 7 seconds टू आंसर। ऊर्जा गंगा के अलावा एक और गंगा है, बताइए।
शोध गंगा, एब्सोल्युटली राइट विकास एंड वेरी गुड भाई। चलो अब हम इसमें आ गए हैं, ये अपन ने देख लिया। देखिए ये चार लाइन फ्लाई ओवर फ्लो ओवर कुछ नहीं करता। स्टेटस ऑफ स्किल्ड यूथ इन इंडिया, तो इसमें हमने को बताइए कौन सी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल और विकास दो बच्चे थे जिनको 8,000 रुपए देते थे, सर्टिफिकेट देते थे, आरपीएल देते थे, ऐसे याद रखना है स्टोरी के फॉर्म में, कौशल और विकास। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स, आरपीएल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, मान लो मैंने कुछ पहले से सीख रखा है तो मैं उसमें रिकॉग्निशन देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है आपका आरपीएल टू द यूथ अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है। इसमें हमारा और क्या है, जन शिक्षण संस्थान स्कीम, प्रोवाइडिंग वोकेशनल स्किल्स टू नॉन लिटरेट, नियो लिटरेट या फिर स्कूल ड्रॉप आउट्स, ओके ये हमारा कॉमन चीजें, कॉमन ज्यादा कुछ नहीं है। फिर कौशल विकास, ये जो दो बच्चे थे कब लॉन्च करेगी, 2015 में, इसके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, बस बहुत सारे इन्होंने टारगेट रखे हुए थे कोई काम के नहीं, यहाँ बीच में कुछ भी काम का नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केरला कोई काम का नहीं, पूर्ति, अच्छा स्फूर्ति आई थी आपकी एमएसएमई में, मैंने याद करवाया था ये आपको, इसकी फुल फॉर्म देखो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में है स्फूर्ति, क्लस्टर बेस है स्फूर्ति, क्या है स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति नंबर वन, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ एमएसएमई मिनिस्ट्री, नोडल एजेंसी कौन है केवीआईसी। स्फूर्ति के साथ एक और स्कीम थी ऐसे ही, उसका नाम बताओ, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट है, एक एक क्लस्टर उठा लिया डेवलप करा ऐसे एमएसएम, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। अगला हमारा क्या है, पीएलआई स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल, हम पीएलआई बार बार देख चुके हैं, ओके इसमें कुछ नहीं है, ओके अगला देखिए वाई इन न्यूज, हाँ सक्षम पोर्टल तो ठीक है उसमें वो कर देंगे, एक और थी ना स्फूर्ति, समर्थ आई थिंक समर्थ, हाँ प्रिया ने बता दिया है समर्थ, मुझे लग रहा है ठीक आंसर है समर्थ और स्फूर्ति, ये दोनों के दोनों एमएसएमई की ही थी जो इकट्ठे आते थे, ठीक है मैं भी यही आता था स्वावलंबन स्वावलंबन, ठीक। चलो अब हम देखते हैं, देखिए आरबीआई हैज रिलीज्ड एनुअल रिपोर्ट ऑफ ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर 2019-20, इन्होंने क्या बताया कि जब आपने ओम्बुड्समैन बना दिया है 65% तो आपकी कंप्लेंट बढ़ गई है, 92% हमने रिजोल्व कर दी है, अ कॉमन मैन कैन अप्रोच दीज ओम्बुड्समैन फॉर देयर ग्रीवेंसेज, अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो तीन ओम्बुड्समैन है आरबीआई के पास, बैंकिंग नॉन बैंकिंग एंड डिजिटल, आपको कोई भी समस्या है उसी हिसाब से आप जा सकते हैं। लास्ट न्यूज इंडिया इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन, कुछ नहीं सर्कुलर इकोनॉमी आपको पता ही है, यूज वेस्ट यूज सारा का सारा रहेगा। देखिए इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हाट, एम नीति आयोग एंड ऑस्ट्रेलिया का क्या है कॉमनवेल्थ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइज किया। हैकाथॉन क्या होती है, कुछ नहीं जनरल बकवास, ठीक है कि भाई हाँ इनोवेशन करेंगे पता लगाएंगे कैसे, पैकेजिंग में, फूड सप्लाई में, प्लास्टिक वेस्ट में, एनर्जी मेटल और ये सब। सर्कुलर इकोनॉमी हमें पता ही है, घूम फिर के आप दोबारा से उस प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं, आजकल ये हमारा न्यूज में चल ही रहा है। लीनियर इकोनॉमी मॉडल क्या होता है, आपने यूज किया वेस्ट किया खत्म, सर्कुलर मतलब आपने उसको दोबारा से कहीं ना कहीं से री यूज कर रहे हैं, ठीक है वो हमारा इसमें आ जाता है, ये हो गया ठीक है। हाँ सारी एमएसएमई की ही है एब्सोल्युटली, बट मैं जो पूछ रहा था वो समर्थ, ठीक है जो चाहिए वो मुझे चाहिए, ओके। अगला हमारा आ रहा है साइंस एंड टेक, देखिए अब यहां से आगे अपन करेंगे डे में, डे टाइम आधा आपका बच गया है, एक घंटे में हो जाएगा और हम देखेंगे फिर आपका क्या रहेगा, अप्रैल 2021 लास्ट, मई वाला तो अपन देख लेंगे, जरूरत तो हो सकती है, ठीक है उसको बाद में देख, अब वो धीरे धीरे हो जाएगा, अपने 15 महीने कंप्लीट हो गए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट हो गया। अब तुम लोगों को क्या करना है, अपनी हाईलाइटेड पीडीएफ लेके बैठो, जल्दी जल्दी रिवाइज करो,
ठीक है, लेक्चर को 2 टाइम की स्पीड में चला के एक ही दिन में रिवाइज कर लो चाहो तो, अब तुम्हारे पास सारी की सारी फैसिलिटीज हो गई हैं, ठीक है। चलो गुड नाइट दीक्षा, सोना नहीं है। हाँ सजेशंस मैं ये कह रहा था, यस थैंक यू नरेन फॉर टेलिंग मी। हाँ जैसे अपने जो भी इनिशिएटिव चल रहे हैं, मैंने तो अपनी तरफ से जो भी दिमाग लगाया कि जिस तरीके से तुम लोगों को मैक्सिमम हेल्प हो सकती है, लगभग लगभग सारी चीज़ें चाहे वो एनसीईआरटी से होगी चाहे एमसीक्यू से होगी, हम मोटे मोटे तौर से सब लोग सारी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे, अपना हो जाएगा रिविजन तो अच्छा खासा, ठीक है। और करंट अफेयर भी हो गए हैं, तो आपका स्टैटिक भी हो गया, करंट अफेयर भी हो गया, और जो चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वो भी मैंने आपको बता ही रखी है, ठीक है। एनी अदर सजेशंस यू हैव, जैसे मॉक टेस्ट का एक है मेरे पास कि मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन के फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम बना लें ताकि सारे स्टूडेंट्स उनको दे लें, ताकि फिर आपको भी पता चल जाए कि किस हिसाब का चल रहा है। एक सजेशन वो है वीकली 1 टेस्ट, ठीक है। अगले आने वाले जितने भी हमारे पास हफ्ते हैं, तो जैसे मान लो अभी अपन लगभग 1 महीना हमारे पास इसका है, तो हम इसको कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये। सेकंड, अगर आपको और कुछ लगता है तो बताओ। ठीक है, हाँ 2 ईयर के यूपीएससी उसको भी अपन डाल देंगे, हाँ 2-3 ईयर, 3 ईयर के अपने बच्चे हैं, 3 ईयर यूपीएससी आई विल बी टेकिंग। ठीक है, वीकली कर लेंगे और यूपीएससी के हिसाब से आई विल बी आई मेकिंग इट जितना हो सकता है एनालिसिस, ठीक है। इसमें मेरे दिमाग में आया था पोस्टमार्टम, एक्चुअली एक कमेंट आया हुआ था कि सर एचसीएस के पेपर्स का पोस्टमार्टम कर दो, तो मैंने सोचा एक सीरीज शुरू करते हैं पोस्टमार्टम सीरीज। पोस्टमार्टम सीरीज में अपन करेंगे यूपीएससी के 5 ईयर्स का पोस्टमार्टम और एचसीएस के 2 ईयर्स का, क्योंकि एचसीएस में तो 2019 और 2021 वाला ही है जिसका पोस्टमार्टम किया जा सकता है, एक ये रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट, यस एब्सोल्युटली, एक या दो ऑफलाइन टेस्ट भर्ती, तुम कहाँ से आओगे ऑफलाइन, जवानी से देना, ठीक है ऑफलाइन। चलो तो मैं इसको भी डाल लेता हूँ सजेशन, चलो तो इसका मैं जल्दी से प्लान बना के आपके साथ शेयर करता हूँ एक दो दिन के अंदर अंदर, मे बी बाय मंडे, मंडे तक, जैसे मान लो अपन मंडे से बिल्कुल नया शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो अपन 21 तक ट्राई करेंगे कि अपना लगभग लगभग काफ़ी कुछ इसमें कवर अप कर लें, तो उसमें मैं ये सारे सजेशन जो आपके हैं उसको डालते हुए शेड्यूल बताता हूँ, ठीक है। ओके रोहतक से, पोस्टमार्टम अच्छा है ऑटोप्सी से, ठीक है चलो कोई नहीं करवा देंगे यार, चिंता ना करो ऑफलाइन टेस्ट करवा देंगे तुम लोग, जाते जाते लाइक कर जाना भाई सभी विकास थैंक यू। चलो कोई नहीं, तुम लोगों ने सबने कर ही रखा है, वैसे अंकित थोड़ा सा बिजी है, अंकित की गुड़िया भी बीमार चल रही है, वो भी थोड़ा सा कभी इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है चलो। सो थैंक यू, एज ऑफ नाउ वी आर वाइंडिंग इट अप, और जो भी तुम लोगों ने सजेशन दिए हैं आई विल बी नोटिंग इट डाउन, वी विल बी टेकिंग इट इन कमिंग क्लासेस सून। चलिए ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टडी वेल।